दोस्तों, अक्सर मौसम में बदलाव, खान पान में गड़बड़ी या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से बुखार हो जाता है और आजकल कोरोना काल में तो ये हर दूसरे आदमी को है। बुखार कोई भी हो, उसके ठीक होने के बाद अक्सर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, जिसका मुख्य कारण होता है दवाइयों का अधिक प्रयोग, ज्यादा दवाइयाँ खाना। मुंह कड़वा हो जाता है, भूख नहीं लगती है, जी मिचलाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है और कभी कभी तो मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाता है। बुखार हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान और शानदार नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही असरदार है। ये नुस्खा ना सिर्फ आपके मुंह के स्वाद को ठीक करेगा, बल्कि आपकी भूख को भी बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी और बीमारियां हैं तो वो उसको भी दूर कर देगा। ये नुस्खा आप किसी भी तरह के बुखार या बीमारी के बाद, जब आपके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है या बिगड़ जाता है, तो प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है मुनक्का। दोस्तों, ये मुनक्का है जो आपको बाजार में पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको किशमिश नहीं लेनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मुनक्का और किशमिश अलग अलग होती हैं। ये देखिए, मुनक्का में बीज होते हैं परंतु किशमिश में बीज नहीं होते हैं। अब हमें लेनी है 7 से 8 मुनक्का। अब हम इन्हें किसी भी छोटी कढ़ाई, पैन या तवा, कोई भी चीज ले लें, उस पर हमें इन्हें भूनना है। दोस्तों, इसे भूनने के लिए गैस को बिल्कुल सिम रखना है और लगातार चलाते रहना है। लगभग 1 मिनट गैस पर रखना है। आपको इसे जलाना नहीं है, कोई भी घी तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। बिल्कुल सूखा भूनना है और लगातार चलाते रहना है। जब आपको लगे कि आपके मुनक्का भुन गए हैं और थोड़े से फूल गए हैं, तो आपको गैस को बंद कर देनी है। आप देखेंगे कि आपकी मुनक्का फूल गई है। बंद गैस में ही आपने जिस बर्तन में इसे भुना है, उसी में उसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक वो बर्तन गर्म है। इसे लगातार चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी मुनक्का जल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। अब इसे भूनने के बाद एक कटोरी में निकाल लें। अब हम आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन्हें खाना कैसे है। सबसे पहले मुनक्के को ठंडा होने के बाद इसके बीजों को निकाल लें। ये देखिए, हर मुनक्के में 1 से 2 बीज होते हैं। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। हर मुनक्के में से आपको इन बीजों को निकाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चीजें। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें चुटकी भर नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेंधा नमक वो होता है जिसे हम व्रत में प्रयोग करते हैं। सेंधा नमक डालने के बाद हमें डालनी है चुटकी भर काली मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ये खाने में इतनी स्वाद लगती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको बताते हैं कि आपने इन्हें खाना कब है। आपने इन्हें सुबह सुबह खाली पेट खाना है, पर इसे खाने का भी एक तरीका है। आपने इसे निगलना नहीं है जल्दी जल्दी। आपने इन्हें एक एक दाने को खूब चबा चबा कर खाना है। अच्छे अच्छे से चबा चबा कर खाएं एक एक दाने को। और खाने के आधे घंटे बाद तक ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है, ताकि इनका पूरा असर आपके शरीर में अच्छे से हो जाए। आपको 1 से 2 बार के प्रयोग से ही काफी फर्क महसूस होने लगेगा। मुंह की कड़वाहट में भी, मुंह के स्वाद में भी, और भूख भी लगने लगेगी। अगर आपका बुखार या ट्रीटमेंट काफी लंबा चला है और 1 या 2 बार के प्रयोग से भी आपको आराम नहीं मिला है, तो आपको इसका प्रयोग लंबे समय तक करना है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसे 1 हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्के के इतने फायदे हैं कि आपको कोई नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं है। आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी बुखार से निकलने की। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एज ग्रुप का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। परंतु बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो उन्हें 3 से 4 मुनक्का ही दें। दोस्तों, मुनक्के के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये कब्ज से राहत दिलाता है, गले की खराश को दूर करता है, एसिडिटी में आराम दिलाता है, एनीमिया को दूर करता है,
सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, गठिया को दूर करता है और मुंह के बहुत सारे रोगों में आराम दिलाता है। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा। कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति बुखार से परेशान है, हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को लेकर स्ट्रेस में है, तो आप इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रोंग करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।